गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोरोना पढ़ाई में। और हम आ चुके हैं 6th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के साथ और आज के हमारे चैप्टर का नाम है द ग्रेट ऑटोबायोग्राफी ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टन। और आज हम आ चुके हैं उसके क्लास लास्ट पार्ट के साथ। यू मे हैव हर्ड अबाउट द ग्रेट ह्यूमन फ्रेंड ऑफ आस डॉक्टर सलीम अली। ही हैड इवन सजेस्टेड दैट वी शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ द नेशनल बर्ड ऑफ आर कंट्री, but the honor went to the beautiful relative, the peacock. I am happy to tell you that I am the state bird of Rajasthan. We have got 10 centuries for our protection, but sadly our number is going down. We used to live in all parts of India, but slowly the growth population of man pushed us away. More than 90% of our home regions are now afraid of hunters that kills us for fun. We also die due to electric powers that we can see, we can't see while flying. We are also losing our homes. Today, only the last 200 of us are left in the world. We need your support and love in order to survive. Can you help us? You can write letters to your lead and make an applic to save to help us. You can make my drawing and submit to your teacher. You can discuss this with your parents. Come to see us at a sanctuary because now you will not see us in other places. And who knows, if human don't help us, none of us will be left on this earth. Now you will only see in us pictures. अभी हम ये पैरा में देखते हैं कि सबसे पहले जो ऑटोबायोग्राफी यहाँ पे स्टार्ट होती है ग्रेट इंडियन बस्टन के साथ, तो वो हमें कहते हैं कि उनके जो ग्रेट ह्यूमन फ्रेंड है डॉक्टर सलीम अली, उनने ये सजेस्ट भी किया था कि उनको हमारे देश का नेशनल बर्ड रखा जाए, पर ये जो है इनके ही रिलेटिव पिकॉक को दिया गया ये सम्मान। और ये बहुत ज़्यादा खुश भी है हमें बताने के लिए कि ये क्या है, ये स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान है और इनके पास 10 सेंचुरीज है फॉर आर प्रोटेक्शन। इनके अलग से 10 सेंचुरीज है इनकी प्रोटेक्शन, बट सैडली मैं बहुत दुखी हूँ कि इनका नंबर क्या है, इनका नंबर फिर भी नीचे जा रहा है। एक टाइम था जहाँ ये इंडिया के हर एक पार्ट में हुआ करते थे, पर हमारे पॉपुलेशन की ग्रोथ के कारण हमने इन्हें पुश कर दिया अवे। मोर देन 90% ऑफ आर होम रीजन्स वी आर अफ्रेड ऑफ हंटर्स दैट किल अस फॉर फन। इनके ग्रोथ पॉपुलेशन के कारण जो ये जो बर्ड्स है इनके जो हम क्या कह सकते हैं उनका जो होम रीजन था जहाँ पे ये रहते थे वहाँ पे बिल्डिंग्स हुए, ये सब के कारण इनका 90% ऑफ द होम रीजन वहाँ से हट गया, वहाँ पे बिल्डिंग्स बन गई और ये अभी डरते हैं और ये छुप छुप के रहते हैं क्योंकि इनको ऐसा डर लगता है कि जो हंटर्स है वो इन्हें ऐसे मस्ती मजाक में मार देंगे। ये और एक इनका कारण है मरने का कि वो पावर लाइन से भी मर जाते हैं जिसको वो देख नहीं सकते उड़ते वक्त, और ये खुद के घर भी खो रहे हैं हमारे कंस्ट्रक्शंस और बिल्डिंग्स के कारण। टुडे ओनली द लास्ट 200 ऑफ अस आर लेफ्ट इन द वर्ल्ड। वी नीड योर सपोर्ट एंड लव इन ऑर्डर टू सर्वाइव। कैन यू हेल्प अस? अभी इस पूरे अर्थ के ऊपर इनकी बस 200 ही लिविंग वर्ल्ड्स हैं। अगर ये भी मर गए तो ये इस दुनिया से एक्सटिंग हो जाएंगे और इनका कोई भी नामो निशान नहीं रहेगा। You can write letters to the leaders and make an appeal to help us. अभी हमारे जो CM है, स्टेट मिनिस्टर है, इन लोग को हम हमारा एक लेटर लिख सकते हैं इनके सेवा के लिए। और ये क्या कह रहे हैं, जस्ट एन एक्टिविटी कि आप इनका ड्राइंग बना के टीचर को सबमिट कर सकते हो और ये बात आप आपके पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। और ये कह रहे हैं कि आप हमें सेंचुरीज में देखते हैं क्योंकि हम वहाँ पे ज़्यादा सेफ हैं, और अगर हम तुम्हें कोई और जगहों पे नहीं दिखेंगे क्योंकि हम वहाँ पे जाने से डरते हैं। एंड हु नोज़, अगर हम लोगों ने इनकी मदद नहीं की
तो इनके में से कोई भी जिंदा नहीं रहेगा और इनको बस हम लोग पिक्चर्स में ही देख पाएंगे। बाय डॉक्टर प्रमोद पाटिल। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में ये जरूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और आज के लिए गुड बाय।